हेलो फ्रेंड्स, लव गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैं ये पीस लिली के दो प्लांट लेकर आई थी और आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। वैसे तो इसे मैं इस कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ, ये सीमेंट का पॉट है। गर्मियों में पीस लिली की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है और इसे गर्मी का मौसम सबसे अच्छा लगता है ज़्यादा, और ये बेसिकली वो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा करता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा बना हो। ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है, आपके घर में, आपके ऑफिस टेबल में या आपके घर में डाइनिंग टेबल पे ये रखा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे आप ओनली कोकोपीट या कंपोस्ट में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसे वेल ड्रेनेज सोइल ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसमें वेल ड्रेनेज सोइल का मतलब होता है कि जिसमें ज़्यादा पानी खड़ा ना रह सकता हो, और दिन में एक बार इसे शावर कर दिया करें, इसे शावर बहुत अच्छा लगता है। और वैसे देखने में आपको लग रहा होगा कि ये वाइट वाइट जो है इसके फूल हैं, लेकिन असल में इसका फूल है जो वो ये वाला होता है, जो इसके बीच वाला ये पोर्शन होता है, ये इसका फूल ये होता है। अगर आपके घर में काफ़ी सारे प्लांट्स ये लगे होंगे तो ये अपने आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते रहेंगे और ये अपने न्यू पप्स यहाँ से देता रहता है। इसे की केयर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अगर आपको लग रहा हो कि ये सर्वाइव नहीं कर रहा, तो आप क्या करें, इसे एक ऐसी अंधेरी जगह में रख दें जहाँ पे पूरा अंधेरा हो, ट्यूबलाइट से भी कम रोशनी आती हो। इसे रोशनी इतनी अच्छी नहीं लगती, आप इसे अंधेरे में भी रख सकती हैं यहाँ, या ट्यूबलाइट की रोशनी में भी रख सकती हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस पॉट में शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसे गर्मियों में, ये गर्मी स्टार्ट होने से लेकर लास्ट समर तक फ्लावरिंग करता रहता है। और फ्लावरिंग का सीज़न होता है इसका, लेकिन ग्रोथ का कोई सीज़न नहीं होता। ग्रोथ ये हर सीज़न में ग्रोथ तो करता ही रहता है, लेकिन फ्लावरिंग जो है वो ये समर में करता है। इसे ज़्यादा किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस ओनली कोकोपीट में लगा दीजिए, ये अपने आप ग्रो करता रहता है। अगर आप इसे बाहर रख देंगे तो ये बाहर वाली धूप में एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये मर जाएगा। इसके जैसे अभी इस वाले के पत्ते हैं, ये कम ग्रीन, ज़्यादा डार्क नहीं है, और ये ज़्यादा डार्क ग्रीन है क्योंकि ये इसे थोड़ी सी रोशनी में रखा गया था और इसलिए इसके पत्तों का कलर ऐसा हो गया। अगर आप इसे डार्क एरिया में रखेंगे तो इसके जो पत्ते होंगे ये और भी ज़्यादा डार्क होते रहेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसे इस वाले पॉट में शिफ्ट करेंगे और इसके नीचे पहले मैंने ये छोटा सा पत्थर रख दिया है ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। अभी हम क्या करेंगे, इसे अभी हम इसका जो रूट बाउल है वो अच्छे से निकाल देंगे। अभी मैंने इसका ये पूरा रूट बाउल अच्छे से निकाल लिया है और इसे हम ओनली कोकोपीट में लगाएंगे। Thank you.
ऊपर से हम छोटी सी एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे ताकि जो कोकोपीट है अपनी जगह पे स्टेबल रहे। अभी इसे पानी देकर हम इंडोर रख लेंगे। अभी हम इसे पानी देंगे और इस कोकोपीट के कारण हम इसे पानी थोड़ा सा कम ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।